भारत का ये हनुमान मंदिर, जिसे औरंगजेब भी तोड़ न सका, लौट गया था उल्टे पांव। औरंगजेब एक कट्टर मुगल शासक था। भारत में उसने कई मंदिर तोड़े। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित करमण घाट हनुमान मंदिर भी वो तोड़ना चाहता था, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मंदिर तोड़ने से पहले ही औरंगजेब के पसीने छूट गए। वो इस कदर डर गया कि वहां से वापस लौट गया। क्या है करमण घाट हनुमान मंदिर का इतिहास और क्यों औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ न सका, आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। करमण घाट हनुमान मंदिर का इतिहास। इस मंदिर की स्थापना की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। 1143 के आसपास काकतीय वंश के राजा प्रोला द्वितीय जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे। राजा प्रोला वहां थककर सो गए। उसी दौरान उन्हें घने जंगलों के बीच में भगवान राम का जाप सुनाई दिया। उन्हें हैरानी हुई कि इस जंगल में कौन है जो भगवान राम का जाप कर रहा है। जब राजा वहां देखने पहुंचे तो उन्हें हनुमान जी की एक बैठी हुई प्रतिमा नजर आई। इसी प्रतिमा के भीतर से भगवान राम के जाप की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद राजा अपनी राजधानी लौट आए और उन्होंने हनुमान जी के इस अद्भुत मंदिर की स्थापना की। जब औरंगजेब तोड़ने पहुंचा मंदिर, औरंगजेब अपनी सेना लेकर इस मंदिर को तोड़ने पहुंचा था, मगर कहते हैं कि उसकी सेना करमण घाट हनुमान मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश भी न कर सकी। झुंझलाहट में खुद मुगल शासक औरंगजेब मंदिर को तोड़ने आगे बढ़ा, लेकिन मंदिर के नजदीक पहुंचते ही उसे एक गर्जना सुनाई दी और वो कांप उठा। तेज आवाज में किसी ने कहा, मंदिर तोड़ना है राजा तो करमण घाट। इसका मतलब था कि अगर मंदिर तोड़ना है तो अपने मन को मजबूत कर। कहा जाता है कि औरंगजेब इस घटना के बाद चुपचाप मंदिर से चला गया। इसी के बाद इस मंदिर का नाम करमण घाट पड़ गया। बाकी हनुमान मंदिरों से अलग है करमण घाट की परंपरा। करमण घाट मंदिर द्राविड़ शैली में बना है। इस मंदिर में हनुमान जी के अलावा श्री राम, भगवान शिव, देवी सरस्वती, माता पार्वती, संतोषी माता, भगवान वेणुगोपाल और भगवान जगन्नाथ स्वामी की प्रतिमाएं हैं। मंदिर स्थानीय लोगों की कई प्रकार से मदद भी करता है, मसलन मेडिकल कैंप, शैक्षिक कार्यक्रम, गरीबों को भोजन समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस मंदिर की एक अन्य रोचक परंपरा है कि अन्य हनुमान मंदिरों में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन करमण घाट के हनुमान मंदिर में रविवार को विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में है, लेकिन उन्हें एक सैनिक के समान वेशभूषा पहनाई जाती है। इसके अलावा यहां हनुमान जी की पूजा में नारियल का उपयोग किया जाता है। औरंगजेब के छूटे पसीने। करमण घाट मंदिर के निर्माण के लगभग 400 वर्षों के बाद यहां इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब भी आया था। उस समय औरंगजेब भारत भर में हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के मिशन पर था और उसने कई मंदिरों को नष्ट भी कर दिया था। इसी क्रम में जब वह अपनी सेना के साथ इस मंदिर को तोड़ने के लिए आया तो उसकी सेना करमण घाट हनुमान मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश भी न कर सकी। गुस्से में औरंगजेब ने खुद मंदिर को नष्ट करने के लिए हथियार उठाया, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के नजदीक पहुंचा उसे एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर औरंगजेब भय से कांप उठा और उसके हाथ से हथियार छूट गए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, मंदिर तोड़ना है राजा तो करमण घाट, जिसका मतलब था कि अगर मंदिर को तोड़ना चाहता है तो अपने मन हृदय को ताकतवर बना। हालांकि औरंगजेब इस घटना के बाद चुपचाप मंदिर से चला गया। इसी आकाशवाणी के कारण इस मंदिर का नाम करमण घाट हुआ। मंदिर के विशेष विधान। खुद की रक्षा करने वाले हनुमान जी के इस मंदिर में कुछ विशेष लेकिन रोचक विधान है। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में है, लेकिन उन्हें एक सैनिक के समान वेशभूषा पहनाई जाती है। इसके अलावा यहां हनुमान जी की पूजा में नारियल का उपयोग किया जाता है। करमण घाट मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा इस मंदिर की एक अन्य रोचक परंपरा है। भारत के अन्य हनुमान मंदिरों में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन करमण घाट का हनुमान मंदिर इस मामले में अलग। इस मंदिर में रविवार को विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। द्रविड़ शैली में बनाए गए इस मंदिर में हनुमान जी के अलावा श्री राम, भगवान शिव, देवी सरस्वती, माता पार्वती, संतोषी माता, भगवान वेणुगोपाल और भगवान जगन्नाथ स्वामी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर में श्री रामनवमी, हनुमान प्रकटोत्सव और अन्य हिंदू त्योहारों पर विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। मंदिर के प्रशासन द्वारा अन्नदानम का आयोजन किया जाता है। इसके तहत भक्तों, गरीबों और असहाय लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कैसे पहुंचे?
हैदराबाद मुख्य शहर से करमण घाट हनुमान मंदिर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। हैदराबाद में ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। मंदिर से हवाई अड्डे की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। इसके अलावा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से करमण घाट मंदिर की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। सिकंदराबाद देश के लगभग सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद के महात्मा गांधी बस टर्मिनल से हनुमान मंदिर की दूरी 12 किलोमीटर है। नागपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, अमरावती और कई अन्य शहरों से हैदराबाद बस के माध्यम से भी पहुंचना काफी आसान है।